तो दोस्तों बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार और पूजा एंटरटेनमेंट एक बार फिर से देखेंगे एक साथ ही। जी हाँ, पूजा एंटरटेनमेंट के बगैर तले बन फिल्म सूर्यपुत्र महावीर कौर महाभारत के पौराणिक चरित्र पर आधारित फिल्म है, जिसे महाभारत की योद्धा की महाकाव्य की गाथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। निर्माण जैकी भगनानी ने महाभारत के पौराणिक चरित्र सूर्यपुत्र महावीर कौर पर एक फिल्म की घोषणा 2021 में की है। यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नाडा भाषा में रिलीज होगी। सूर्यपुत्र महावीर कौर इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई तब लेखक आर्यस विमल ने सोशल मीडिया पर साझा किया था, यह एक पूर्ण स्व कर के अलावा और कुछ नहीं है, मैं महाभारत से हमारी सबसे मूल्यवान फिल्म सूर्यपुत्र महावीर कौर की एक झलक साझा करने के लिए उत्साहित हूँ। वासु भगनानी, जैकी भगनानी, दीप शिखा देशमुख, डॉक्टर कुमार विश्वनाथ, पूजा एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर काम करना सौभाग्य की बात है। इस फिल्म के लीड एक्टर को लेकर शुरू से ही काफ़ी कन्फ्यूजन रहा है। साथ ही सूर्यपुत्र कौर के अलावा इस मूवी में कई सारे लीड रोल है, जैसे भगवान श्री कृष्ण, भीष्म, दुर्योधन, ऐसे कई सारे बड़े योद्धा इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। और इस फिल्म की कास्ट की वजह से यह फिल्म फ्लोर पर जाने में देरी हो रही है। वही खबर है कि इस फिल्म में लीड एक बड़े रोल के लिए अक्षय कुमार को अप्रोच किया गया, लेकिन वो रोल कौन सा होगा अभी पता नहीं चला है। पिछले दिनों ट्विटर पर जेड एंटरटेनमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वैसे आपको क्या लगता है अक्षय कुमार किस रोल में फिट रहेंगे, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप अक्षय कुमार के डाई हार्ड फैन हैं तो ऐसे ही अक्षय कुमार की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।